वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हुण जी तुसीं सरवण करो संत बाबा हरदेव सिंह जी लूलों वालियां दे अनमोलक तमाए होए वचन जी। पर इहदे विच सेवा ते सिमरन शुभ गुणां दा बीज बीजणा। मैं फिर तो हरियावल है खन्ने थोड़े चो प्लाट लाए होने किसी ने था प्रता लिया लुधियाना। गुरमुखो जी ने तो प्लाट लेके ना छत लिया सवार लिया उत्थे दबण की कोठी ते जेड़ा बेचारा रह गया खाली प्लाट सवारिया ना छत्या ना पर सारे कलोनी आले फिर उत्थे कूड़ा ही सिटन गए आखो सदा उत्थे ढेर गंदगी दा ही लगना है। और खन्ने नू लुधियाने नू छड़ दो ललेड़ी आ जाओ अपने खेत नू दो साल बाहो ना सवारो ना ते उत्थे कखे कखे जमणगे। ये तन रूपी खेत है इहनू गुरु दे उपदेश नाल गुरु दे दसे तरीकियां नाल मन नू हाली बना के सवार लो फिर तो तू भी सुखी तेरा टब्बर भी ते पिंड भी समाज भी सुखी। जो इस खेत विच कंडे जम पे ना गंद हो गया जेड़ा को नू जाऊ वह भी दुखी जेड़ा बिच नू लगू वह भी बलूंदरिया जाऊगा। ये असल धरती गुरमुखो साडा शरीर है। कई मेरे वर्गे पढ़ दने कहिंदे साढ़े तीन हथ धरती तेरी बहुतियां जमीनां वाले इहदा अर्थ यह नहीं करना भी जिते फूकना आपां नू जिथे अपना संस्कार होना है ना उत्थे तो पता नहीं किन्ने हक दा हो लिया जिखे हको साधना फिर वो नहीं कहना भाई आ है धरती तेरी साढ़े तीन हथ तेरा तन इहदे विच बीज ले कोई चंगे बीज। वह धरती दे इंतकाल बहुते होले तो गां नू हो जाने बहुत नाल ये तो थोड़े चिर दा पैर है अपना आ जिहड़ा शरीर विच बीज बीजेगा ये नाल जाने। गुरमुखो ददा दोष ना देई किसै दोष करम अपने जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजे अवर जन। सतगुर पातशाह बाणी विच बचन करदे ने ये हर प्रभ का सब खेत है हर आप किरसाणी लाया ते मन नू आप किरसाणी ते लाता है खेती बीजण नू करमां दी। फिर महाराज बचन करदे ने गुरमुख बख्श जमायन मन मुखी मूल गवाया। जिन्होंने गुरु की मत लेके इस खेत नू बीज लिया लोक परलोक सवेले कर ले। जिन्होंने गुरु की मत तो उल्ट मन मत वरती उन्होंने पिछले जन्म के कर्म भी खा के मुकाते अजखे आखो सदना जेड़ा कुछ कोल सी वह भी खाली कर लिया ते गाह नू बीज बीजिया ही नहीं। सेवा ते सिमरन ये दो चीजा ने इस तन रूपी धरती विच बीजनी। एक गल होर याद रखियो समा हो गया के नाम बीज संतोख सुहागा। जद आप हलां नाल केरदे हुंदे सी ना कणक केरन ते बाद जदे सुहागा फेरीदा सी ते हुण तुहाडी ड्रिल है वह नाल दी नाल मिट्टी पाई जांदी उपर ढकीदा ना दाणा बीज के जिहड़ा तां ढाक हो गया जमया जिहड़ा रह गया नंगा दाणा। पहली शर्त उन्हें जमना नहीं दूई शर्त भी गटारा घुगिया कोले होनी है अजके आखो सत चग लेनगियां जगह बेचारियां। हुण अपना यही काम है आ जिहड़ा नामदान आपां बीज देना ये असीं ढकदे नहीं दिखाउने लोकां नूं भी कीता वह बीज जमना नहीं फिर दिखावा ही होगा। आ रवाज नहीं चलिया अपने च पत्थर लाउण दा एक गुरद्वारियां च वो गुरमुखो तुसीं सियाणे बैठे हो यादगार किसी जूंदे की भी बनती होंगी थी मरे की बनती होंगी नहीं तो सैनी मोटी गल जटा वाली यादगार मरे तो बाद बनती होंगी कि जूंदे की यादगार बनानी है। वो पत्थर तो मरे तो बाद लाते होंगे पुत पोते अपने बाबे का हूँ सिख पढ़ गया बहुता वो कहें जो पुतों ने लाया मेरे को फोटो स्टेट कापी जानी है भी लग गया अपने जिंदे जिंदे ला के वो जिंदा ही यादगार बना देखो जिंदे की यादगार बनती है। ਇਹ ਕਾਹ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਇਹ ਬੀਜ ਤਾਂ ਬੀਜਿਆ ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਲਵੇ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਸੰਤੋਖੀ ਬਣ ਜਾ ਲੋਕ ਉਪਮਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇਰੀ ਸੁਣੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਕਰੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਕਰ ਦੂੰ ਤੇਰੇ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਰਦਾਸ ਘੜੂਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਰ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਏਂਗੇ ਬੱਥਲੀ ਜਾਣੇ ਪੱਤਰੇ ਦੱਸ ਇੱਧਰ ਪੰਜ ਉੱਧਰ
देखणगे भी सोठ माला पंजवां कित्थे कौंदा होरां दे बाणी नहीं पसंद करदे नूं कुछ करने मैं फिर पांच चार हुक्मनामे हैं गुरपुरे चरनी लाया गुरपुरा भेटियो बड़भागी मैं पांच चार कहेंगे तुहानूं पता ही है ये हुक्मनामे नहीं ये हुक्मनामा आउंदा नहीं तकड़ीज के लियाउने आपां टोल टोल के फिर साढ़े ग्रंथी कहणगे घरदे नूं ओ लै वे अजमेर सिया तेरे भोग ते बहुत सुंदर हुक्मनामा आया कराउण वाले दे भोग पाता तेरे भोग ते देखो साड़ी वर्डिंग देखो साड़े भाईचारे की तेरे भोग ते बहुत सुंदर हुक्मनामा यदा मतलब च भी खराब हुक्मनामे भी है तो कितों ले गए असी बाणी ओ हुक्मनामे भी कितने सुंदर खराब होंगे लोगों खुश करने खातर तेरे भोग ते बहुत सुंदर हुक्मनामा आया अजमें हूँ सुखमनी नहीं बहुत पढ़ते भैन सारिया ज्यादा पढ़ दी जरा जे इन्हों पुछो ना सुखमनी पढ़ने वाले भी पांच बाणियां पढ़ दें कहते ना जी जिहड़ा गुरु ने नितनेम कहा वह नहीं करना गुरुद्वारे च भी यही हाल है गुरु का तो हुक्म है पांच बाणियां सवेरे नितनेम कोई नहीं पढ़ता सुखमनी तड़के से चलती है मैंने दसो कितों लिखे अमृत वाले सुखमनी पढ़नी गुरुद्वारे हुक्म पांच बाणियां का नितनेम पांच बाणियां का कोई नहीं करता पर सुखमनी पता तुम क्यों पढ़ते हो कहते सुखमनी सुख देने वाली बाणी है कुछ आपां तां लाहा चाहिए ना पिछों आपां दे हुक्मां ते की लेना कहते सुखमनी सुख दिंदी है और बहम कढ़ दिओ मन चो क्यों कहने सुखमनी सुख दिंदी मैनू इहदे विचों कोई दुख देने वाली बाणी कढ के दिखाओ कि है तुसीं एक बाणी का नाम रख लिया सुख देने वाली तो बाकी बाणी दुख देने वाली है ये मन मत विच ना फसो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का एक एक अखर एक रूप है एक एक अखर सुखा का समुद्र है तो सारी सुखमनी पढ़ लियो कद मैनू भी समझा दौ भी सुखमनी कितने कहती भी मैं सुख दूंगी कुछ समझाओ मैनू पढ़े लिखे सुखमनी ने कितने लिखे मैं सुख दूंगी सुखमनी की पहली तुक कह रही है जे सुख लेना है तो सिमरो सिमर सिमर सुख पावो और जे सुख लेना है वाहगुरु का सिमरन कर तुझी कहने सुखमनी सुख दूंगी तो असी अपनी मत नाल तोलदे आ बाणी नूं इह चंगा हुक्मनामा जे किते हुक्मनामा आ जावे ना जगत मैं झूठी देखी प्रीत हुक्मनामा लैण वाले दा भी मूंह होरे तरह दा हुंदे सुणन वाली अखां हेठ नूं कर लैंदे भी पता नहीं की पहाड़ डिग पिया उपर ते पिछों कई कहणगे इह भाई जी नूं अकल नहीं कहे जिहा हुक्मनामा लिया इह ग्रंथी नूं पता ही नहीं वेखण दा महाराज दी बाणी विच भी आपां ने फर्क पाता गुरमुखो इह जिथे हुक्मनामा आ जावे ना भी जग मिथे है छड़ जाना झूठ है उत्थे तीवड़ियां ना पाया करो उत्थे धन्नवाद करया करो सतगुरां दा क्यों एक भुली हुई सच्चाई वाहिगुरु तैनू याद करा रहे ने जिथे ऐसा हुक्मनामा मैनू खुशी नाल सुनिया करो जिहड़ी सच्चाई असी भुली फिरदे आ सतगुर तैनू याद कराउंदे ने भाई सच असी लैणा है गुरपुरे चरनी लाया बड़ी शोभा करनी है भी गाह भी बुलाऊगा सानू ना पता होंगे ग्रंथियों भी इन्हें सांझ नू पगुआ ला के रोटी छकनी है असी नहीं हरदे चरनी लाने बिना ना पता सब कुछ भी तीन दिन ले आके भांडे नहीं मांजे पर आप चरनी ला जाने जिथे मर्जी जाए ओ ऐसी मन मत तो हटो गुरमुखो तुहानू बेनती है ये तन धरती बीजी है मखशू बख्शी है गुरु जी ने ये चंगे बीज बीज सेवा सिमरन शुभ गुणा दे जे चंगा बूटा कोई लाओगे कुलों तक याद रखते ने पुत पोते बाबे का लाया हुआ अंब ये बाबे की लाई हुई चीज है किनिया कुल आनंद नाल छकणगियां पर जो वही कोई बूटा बीज गए कंडिया वाला वो तेरे ही नहीं चुभने वो कुलों तक चुभणगे ये तन धरती है आ जाओ गुरमत विच तुहानूं तां बेनतियां करी दियां ने धारना पढ़नी मैनू भी आनी कहते ऐ ना समझो भी चिमटे टकाने नहीं आते सानू भी दवान पूरा करना आता बारह धारना पढ़ दो ढाई घंटे पूरे हो जाने मैं चिमटे ही खड़क दिया होर नहीं कुछ हों पर बेनती अजय नहीं है असं तो सारे साधु समाज में कहते होंने भी जटो जट तुम जाने हो ना खेत कनी सवेरी उठ गए तो देखता होंगे जट कि कणक में पानी की लोड़ है रेह की लोड़ है कि हूँ दवाई की लोड़ है ये देखना है ना तो बूटे फसल में भी किस चीज की लोड़ है जिहड़ी चीज की खेत में लोड़ है वह चीज दे दे ते कामयाब है उधर तो झड़ी लगी भी उधर के भइयां नूं कहिंदा स्टार्टर दा बदो पानी देना फिर तो मरूगी वह कणक
अज मैं सारे संतां नूं भी यही बेनती है, प्रचारकां नूं भी, कि आ गुरु नानक दी जिहड़ी सिक्खी दी फसल है ना, इहनूं देखो अज लोड काहदी है। ओ प्रचार, ओ कहानियां, ओ कथा गुरु दी संगत विच करो। आ गुरु गोबिंद सिंह बाजां वाले ने सरबंस बार के जिहड़े बूटे लाए हैं, इहनूं वेखो हुण लोड किस चीज दी है। आ मैनूं इक जगह बुला लिया संत समागम साडे भी, तुहानूं पता ही है, उत्थे जिहड़ा भी संत बोले, मैं नाम जपो जी, सचखंड जाना है, रब नूं मिलना है, मुक्ति लेनी है, छे सतक बोल हटे, मैनूं कहिंदे तुसीं भी बोलो। मैं कहा मैं होर तां किसे नूं कुछ नहीं कहना, जिहड़े बाबे बैठे मैं इन्हां नूं मेरी एक बेनती है कि ये सारे ही कही जाने सचखंड चले जाओ, मुक्त हो जाओ। मैं कहा थोड़े जे साडे जोगे भी छड़ जाओ, देखो कि साढ़े दुआन सुन जोगे ही ना रहे, जो सारे मुक्त कर दो, इतने गुरुद्वारे खाली हो जाए कि सारे ना, मैं कह ले जो इन्हें बेनती है थोड़े जी छड़ जो इतने खन्ने असं भी बैठ जाएंगे। देखो जेड़ा उठता सचखंड जेड़ा वह तुरना तेन पिंड की सड़क से नहीं आता, तो सचखंड सीधे ही टिकट मिल जूगा। अरे मानसो तुम जीवन दसो, गुरु न जोड़ो, तेन सचखंड की फिक्र, गुरु के मार्ग से चलना दसो, जीवन मुक्त बनो। गुरसिख प्यारे इन बेनतियां, यह तन बहुत कीमती पलाट है, बहुत कीमती धरती है, मन नूं हाली बना के इहदे विच उह बीज बीज लो जो 12 महीने 30 दिने सुख दवे। कबीर ऐसा बीज बोए 12 मास फलंत, शीतल छाया गैर फल पंखी केल करंत। तन है तन है तन है गुरु नानक देव सब तन है।